हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइफाइड का इलाज बताने वाली हूँ। किस तरीके से आप बिना दवाओं का यूज़ किए टाइफाइड को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये एक भयंकर बीमारी है। अगर व्यक्ति को एक बार हो जाए तो ये बार बार परेशान करता रहता है। जब तक दवाइयाँ खाते हैं आप, तब तक इसका असर रहता है। उसके बाद फिर से ये शुरू हो जाता है। इससे व्यक्ति की भूख कम हो जाती है, खाने पीने में मन नहीं लगता है और शरीर में हमेशा दर्द रहता है, थकावट बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, और यहाँ पे चाहिए हमें सबसे पहले गिलोय की। इस तरीके की आप डंडी ले लें, अगर आपके पास पत्ते हैं वो ले लें, लेकिन आपको गिलोय की इस तरीके से थोड़ी सी ये डंडी तोड़ लेनी है। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, कई बीमारियों में फ़ायदा करती है। और दूसरा आपको ये पेड़ लेना है, इस तरीके का पेड़ जो होता है, जिसके आगे ये देखिए कभी कपड़ों में अगर लग जाए तो इसके कांटे कपड़ों में चिपक जाते हैं। ये सड़क के किनारे, खेतों के किनारे अक्सर उग जाया करता है। कुछ लोग इसे चिचिटा भी बोलते हैं, कई लोगों इसे कई नामों से जानते हैं अपनी अपनी भाषा में। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, मुझे नॉलेज नहीं है। जो भी आप बोलते हों, तो आप इसके पेड़ की आपको जड़ लेनी है। इस तरीके से आप पेड़ को उखेड़ लें इसके, और इसकी जड़ को अच्छे तरीके से 4-5 बार धो के साफ कर लें। इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और इसको हम हटा देते। अब आपको क्या करना है कि इस दोनों को आपको ये देखिए टुकड़ों में काट लेना है। इस तरीके से छोटे टुकड़े आपको इसके कर लेने हैं, जितने की आसानी से पिस सके। तो इसके छोटे टुकड़े करने के बाद ये देखिए रेडी है। और यहाँ पे हम इस गिलोय के भी छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो इसको क्या करना है कि इसको हमें पीस लेना है। अगर आपके पास यहाँ पे ओखली है, या आपके पास इमाम दस्ता है, या हम पंजाबी में जिसको कुंडा डंडा बोलते हैं, उसमें आपको इसको अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक। मैं यहाँ पे पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पीस कर तैयार कर लिया है। 2-3 चम्मच इसमें आप पानी मिला दें, फिर ये आसानी से पीस कर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पीस लेना है। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक खाली कटोरी ले लेते हैं, और साथ ही हम इस तरीके के कंटेनर ले लेंगे। आप चाहें तो किसी सूती कपड़े से भी इसको छान सकते हैं। तो इसको हमें छान लेना है। इस तरीके से हमें इसको दबाते हुए इसका जितना भी रस है वो हमें इसमें छान लेना। तो ये देखिए इसका रस मैंने निकाल कर तैयार कर लिया है। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको इसको लेना किस तरीके से है। तो देखिए आपको इसको पानी डालकर 2-3 चम्मच पीसना है, और आपको सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट इसका सेवन करना है। इसको लेने के बाद आपको 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना है। अगर आपको टाइफाइड अभी शुरू हुआ है तो आप इसे 3 से 4 दिन तक ले सकते हैं, जड़ से चला जाएगा। अगर आपका टाइफाइड सालों पुराना है, आपने दवाइयाँ कर ली हैं, फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा है, तो आप इसे 10 से 11 दिन तक ले सकते हैं। इसको सुबह आपको फ्रेश होने के बाद लेना है, यानी खाली पेट लेना है, और इसको लेने के बाद आपको 1 घंटा तक कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद आप जो भी चाय नाश्ता करना चाहें वो ले सकते हैं। ये इतना असरकारक घरेलू नुस्खा है कि अगर आपने इसका सेवन कर लिया तो हमेशा के लिए आपका टाइफाइड जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि कमाल हो गया, इतना अच्छा नुस्खा हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। और आप इस फ्री के नुस्खे को ज़रूर आजमाएं, और महंगी महंगी दवाओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अगर आप दवाइयां लेकर थक चुके हैं, बहुत पुराना आपका टाइफाइड हो गया है, तो वो भी जड़ से चला जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।